स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो दोस्तों आज हम आए हैं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी क्षेत्र में लगने वाले देवा शरीफ मेले में। मान्यता है कि ये मेला बहुत साल पुराना है, करीब 100 साल से भी ऊपर का ये मेला है और इस मेले में आपको हर तरह की चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पर घोड़ा मंडी बहुत फेमस है, जानवर यहाँ बहुत तरह के मिलते हैं, यहाँ घोड़े बकरी भेड़ गाय भैंस सब तरह के जानवर यहाँ बिकते हैं, तो लोग दूर दूर से इस मेले में घोड़े वगैरह खरीदने भी आते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अंदर और आपको पूरे मेले का नज़ारा दिखाते हैं आपको। दोस्तों ये हलवा पराठा वगैरह यहाँ बिक रहा है और ये कपड़ों की दुकानें लगी हैं यहाँ पर। इस मेले की खासियत ये है दोस्तों, ये दिन में हल्का रहता है मेला, लेकिन रात होते होते ये मेला पूरे चरम पे आ जाता है और लोग यहाँ पर लाखों की तादाद में भीड़ आ जाती है। हम चूँकि शाम को यहाँ आए हैं और हमारे देखते देखते भीड़ बढ़ना शुरू हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर ये लइया चूड़ा गट्टा, क्योंकि दीपावली आने वाली दोस्तों तो ये सब यहाँ पर बिक रहा है। ये देखिए बच्चों के छोटे छोटे यहाँ ढोलके वगैरह बिक रही हैं, इस तरह के भी आइटम यहाँ पर बहुत मिलते हैं दोस्तों। और इस मेले की सबसे खास बात ये मेला बहुत सस्ता होता है। लखनऊ में जितने भी मेले लगते हैं मैं देखता हूँ बहुत महंगे होते हैं, उनके रेट काफ़ी हाई होते हैं, बट बाराबंकी में लगने वाले देवा शरीफ मेले की खासियत ये है यहाँ पर सब कुछ काफ़ी सस्ता होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ये खाजा बिक रहा है, ये हलवा पराठा बिक रहा है, ये गर्मा गर्म देखिए पराठा बन रहा है दोस्तों। ये दुकानें सजी हुई हैं यहाँ पर। चूंकि यहाँ घोड़े बहुत तादाद में बिकते हैं इसलिए घोड़ों की सब एक्सेसरीज वगैरह यहाँ बहुत बिकती है दोस्तों। ये देखिए सब घोड़े के आइटम है, ये घोड़े की बांधने वाली घंटियाँ, घोड़े के साथ जो सामान सजावट के सारे सामान यहाँ पर उपलब्ध हैं। हमने और आलोक ने भी इन जमानों में थोड़ा आनंद लिया इनको देखने के लिए। ये डुग्गू हमारे वक्त मस्ती कर रहे हैं। लकड़ी की आइटम भी यहाँ बिक रहे हैं। ये हर तरह की लोहे की छुरी, बड़ी छुरी छोटी छुरी हर तरह के लोहे के आइटम यहाँ बिक रहे हैं और बच्चों के टॉयज भी यहाँ काफ़ी तादाद में बिक रहे हैं। मेला चूंकि बहुत बड़ा है हम धीरे धीरे आपको सारा मेला दिखाते हैं दोस्तों। दीपावली सजाने के लिए बंदरवार हैं ये सब घोड़े के, फिर आइटम आ गए हैं सारे, यहाँ घोड़े के आइटम बहुत मिलेंगे आपको। इस मेले में आपको हर तरह की दुकानें मिल जाएगी, हर सामान यहाँ मिलता है दोस्तों। और इस मेले की खास बात यह है कि ये मेला 24 घंटे खुला रहता है, यहाँ रात में भी ये मेला चलता रहता है। ये मेला 10 दिन के लिए लगता है दोस्तों, 18 तारीख से 28 तारीख के बीच में लगा हुआ है और आज 25 तारीख है। हम इस मेले का वीडियो बनाने के लिए यहाँ पर मेले में आए हैं, थोड़ा आने में हमें लेट हो गया दोस्तों क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे तैसे मैं तबीयत ठीक करके इस मेले में आया हूँ ताकि आप लोगों के लिए भी व्लॉग बना सकूँ मैं। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों। मैं बहुत मेहनत करता हूँ बट दोस्तों उस तरह से मुझे आपका प्यार अभी नहीं मिल रहा है। आशा करता हूँ कि आप अपना प्यार मुझे देंगे और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे।
ये बच्चों के सारे आइटम यहाँ बिक रहे हैं, खेलने के भोंपू वगैरह बजाने वाले। ये देखिए टॉयज हैं हर तरह के यहाँ पर, ये लेडीज़ की चूड़ियाँ वगैरह। ये देखिए बहुत बड़ी शॉप है ये चूड़ियों की। प्रभा भी इन सब चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट लेती है मेरी वाइफ। क्या बोलते हैं भैया इसको वैसे? सोहन पापड़ी। कई तरह की सोहन पापड़ियां हैं यहाँ पर। तो दोस्तों ये सोहन पापड़ी है, हमने भी थोड़ी बहुत ली है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत मीठी होती है तो मैं ज़्यादा मीठा पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन हमने भी थोड़ी सी ली है। ये सब नॉनवेज की दुकानें लगी हैं यहाँ पर, अगर आप नॉनवेज के शौकीन हैं तो आपको यहाँ बहुत मज़ा आएगा दोस्त, बहुत अच्छा नॉनवेज बनाते हैं ये लोग। ये देखिए यहाँ बिरयानी, तंदूरी, हर तरह का आइटम नॉनवेज आपको मिल जाएगा, चिकन, मटन, एग, फिश, हर तरह का आइटम यहाँ पर मिलता है। देखिए धीरे धीरे पब्लिक बढ़ ही रही है दोस्तों। हलवे पराठे की दुकान तो आपको हर तरफ, चारों तरफ यहाँ मिलेगी, हर तीसरी दुकान हलवे पराठे की ही है। जैसे जैसे रात बढ़ रही है दोस्तों, यहाँ पब्लिक भी बढ़ती जा रही है और ये पब्लिक धीरे धीरे अभी और बढ़ेगी। हम ये झूला सेक्शन में आ चुके हैं, ये बहुत तरह के झूले लगे दोस्तों, और आप अगर आइए इस मेले में तो आपके बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। मैं भी अपने परिवार को लेके आया हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। तो डुक्कू मेले में पूरा आनंद ले रहे हैं, ये देखिए डुक्कू और ये मेरा पहलवान अट्टू। तो दोस्तों अद्दू डुगू ने झूले का आनंद ले लिया है और यहाँ कई तरह के झूले हैं, लोग आप देख रहे हैं यहाँ किस तरह से मौज मस्ती कर रहे हैं। तो आप भी आइए दोस्तों अपने परिवार के साथ में, खूब इंजॉय करिए। और ये झूला बहुत महंगे नहीं है यहाँ पर, लखनऊ में जैसे नॉर्मली 50 रुपये 100 रुपये नीचे नीचे कोई झूला नहीं है, यहाँ पर 20-20 30-30 रुपये में झूले हैं। तो बाराबंकी देवा शरीफ में एक चीज़ तो देखा मैंने, हर चीज़ सस्ती है यहाँ, हर चीज़ की जो भी चार्ज है वो वाजिब है। ये हाँ आइसक्रीम है, ये क्या है भैया? फ्रूट आइसक्रीम है ना, ये फ्रूट आइसक्रीम है। तो दोस्तों ये फ्रूट आइसक्रीम है जो थोड़ी सी यूनिक लगी मेरे को, मैंने इसको वीडियो में देखा था बट सामने से आज देख रहा हूँ, तो मैंने भी अपने अद्दू डुगू के लिए ये फ्रूट आइसक्रीम बनवाई। ये देखिए ये झूला कितना मतलब खतरनाक लगता है दोस्तों, मुझे तो बहुत डेंजरस लगता है क्योंकि मैं झूलों में डरता हूँ झूलने से, तो मैं झूला नहीं झूलता हूँ। यहाँ ये मौत का कुआं है दोस्तों और बाहर ये डांस वगैरह हो रहा है यहाँ पर। ये फिर वही दोस्तों खाजा और हलवा पराठा, मैंने बोला ना आपको हर तीसरी दुकान यहाँ हलवा पराठा और खाजा की है। भीड़ देखिए काफी बढ़ चुकी है दोस्तों और बढ़ती ही जा रही है। शाही शेरमाल
मीठा होता है, मीठा। टॉयस की दुकानें हैं यहाँ पर। पब्लिक यहाँ मेले का भरपूर आनंद ले रही है। यहाँ शूटिंग रेट बहुत अच्छे हैं, लखनऊ में जैसे 50 रुपये में 10 है, यहाँ 30 रुपये में 10 है। चलो मम्मी। ये बहुत बड़ा मेला है दोस्तों, बहुत बड़े क्षेत्र में लगता है। मुझे लगता है यूपी में ये सबसे बड़ा मेला है जो बाराबंकी में लगता है। देखिए यहाँ हर आइटम 50 रुपये का है। कवर मिल रहे हैं यहाँ पर, फ्रिज के, वॉशिंग मशीन के, इसी वगैरह हर तरह कवर है, ये ट्रॉफीज वगैरह है, ये बैग वगैरह है। ये मेरा तो डुगू है। दोस्त भीड़ इतनी हो चुकी है दोस्तों कि इसमें चलना भी मुश्किल हो रहा है मुझे, लेकिन आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में यहाँ आया हूँ और इस भीड़ में मैं जैसे जैसे घुस घुस के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। आज आपके एक लाइक से और सब्सक्राइब से भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। दुकानें देखिए, हर तरह की दुकानें लगी हैं यहाँ पर। ये भाई साहब के आइटम 40-40 रुपये के हर आइटम थे। ये बैग वगैरह की दुकानें हैं, स्कूल बैग वगैरह, ये फिर चूड़ियाँ वगैरह की दुकानें हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, आगे बहुत कुछ है इसमें दिखाने के लिए। अगर आप स्किप कर देंगे तो जो मैंने मेहनत करी है और आपके लिए जो जो बनाया वो आप मिस कर जाएंगे। यहाँ देखिए दही बड़े वगैरह बिक रहे हैं, लोग इंजॉय करके यहाँ खा रहे हैं।
सभी लोग खरीदारी करने में लगे हुए हैं, हर कोई अपने बजट के हिसाब से सब कुछ खरीद रहा है। ये दोस्तों गुप्ता शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, हमने यहाँ पर अभी चाय समोसा खाया और बहुत अच्छा इनका समोसा है। तो आप अगर आते हैं तो इस होटल पे आप खाना खा सकते हैं, यहाँ आपको सब कुछ कच्चा खाना 16 समोसा सब मिल जाएगा आपको। अब दोस्तों हम आ चुके हैं जानवर वाले सेक्शन में, आपको घोड़े और गाय वगैरह सब बिकती है। ये देखिए यहाँ हर तरह की गाय बिक रही हैं, भैंस भी हैं, फिलहाल तो ये गाय है। ये देखिए घोड़े, छोटे बच्चे हैं घोड़ों के। अरे देखिए एक से खूबसूरत घोड़े हैं, मुझे घोड़ों की बिल्कुल जानकारी नहीं, बता नहीं पाऊंगा ये कौन सी नस्ल है। फिलहाल ये नुकरा है, इसकी मुझे इतनी जानकारी है। भैया ये कौन सी ब्रीड है? नुकरा है, हैं? बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं भैया। भैया नाम तो बता दीजिए घोड़े का नाम। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूर है ना दूर। तो भैया ने फिलहाल नाम नहीं बताया हमको, भैया की कुछ अलग ही अपनी ऐठन थी। इस तरह के दुकानदार लोग दोस्त आपको मिल जाते हैं, व्यापारी जो अपनी ऐठन में रहते हैं। पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे रहना। यहाँ देखिए हर तरह घोड़े ही घोड़े हैं दोस्तों, बहुत सारे घोड़े हैं यहाँ पर, हजारों की तादाद में अभी भी घोड़े खड़े हैं। और मेला करीब 2-3 दिन अभी और रहेगा यहाँ पर दोस्तों, अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी से आ जाइए, 28 तारीख से पहले पहले यहाँ आ जाइए। 28 तारीख के बाद भी ये मेला रहेगा, बट मेले में आपको फिर वो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि 28 तारीख के बाद ये मेला धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। अगर आप घोड़ों के शौकीन हैं तो आप यहाँ आके घोड़े खरीद सकते हैं दोस्तों। यहाँ घोड़े 10-12 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं, फिर कीमत ऊपर लाखों में जारी जाती है। ये देखिए अलग अलग तरह के घोड़े हैं, लेकिन इससे ज्यादा हम आगे नहीं जा सकते। कवर कवर चले, ये सिंधी है और ये वाला वो मारवाड़ी। तो दोस्तों ये सिंधी नस्ल का घोड़ा था और सामने वाला बगल वाला मारवाड़ी का। तो दोस्तों अपने व्लॉग को अभी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, और अगर व्लॉग आपको अच्छा लगा दोस्तों प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर जरूर करिएगा। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय दोस्तों।